Why owls stare? Once upon a time, there lived an owl and a pigeon. Owl and a pigeon, they were friends, but they were rivals too. Rivals होते हैं, आपके स्कूल में प्रतिस्पर्धा होती है ना, कंपटीशन होता है ना, तो होता है ना, मेरे ज्यादा मार्क्स आए मेरे फ्रेंड से, तो राइवलरी मतलब कंपटीशन होना कि मैं ही ज्यादा आऊंगा, तो प्रतिस्पर्धा कहते हैं उसे हिंदी में कंपटीशन को. एंड दे वर ऑलवेज बोस्टिंग टू वन अनदर. बोस्टिंग का मतलब होता है शेकी करना, कि तेरे पास सैंट्रो कार है, हाँ मेरे पास तो एक्सेंट है, हाँ मेरे पास तो बलेरो है, तो बड़ी बड़ी बातें करना उसे हम बोस्ट करना कहते हैं, उसे हम बोस्ट करना कहते हैं, शेकी करना कहते हैं. नाउ आउल्स, they had much better eyesight than the pigeons. The owl would claim. Owl हमेशा दावा करता था कि मेरी जो eyesight है, owl ये दावा करता था मेरी eyesight pigeon से बहुत अच्छी है. He would always claim. Claim मतलब दावा करना, कोई proof नहीं है कि किसकी eyesight ज़्यादा अच्छी है, पर owl हमेशा दावा कर देता था, क्योंकि boast करने की आदत तो थी, shaky करने की आदत तो थी. तो पिजन्स कैसे पीछे रहता, वो भी बोस्ट करता, वो भी शेकी करता. तो पिजन ने बोला, पिजन्स आर मच बेटर एट फ्लाइंग. द पिजन वुड रिप्लाई. अब आउल ने वापस बोस्ट करना शुरू कर दिया, आउल्स हैव बेटर हियरिंग, आउल्स हैव बेटर हियरिंग. द आउल वुड ब्रैग. ब्रैग करने का मतलब होता है जोर जोर से बोलना. डोंकी बोलता है ना जोर जोर से, उसको ब्रैगिंग कहते हैं, लाउड हार्श वॉइस. कैसे बोला, owls have better hearing, owls have better hearing, owls have better hearing. तो इसे ब्रैग करना कहते हैं, जैसे डोंकी ब्रैग करता है. अब पिजन की बारी थी, पिजन ने भी बोस्ट करना शुरू कर दिया वापस. Pigeons have prettier feathers. उनके जो फेदर्स होते हैं ना, वो बहुत प्रिटियर होते हैं, अच्छे होते हैं तुमसे तो. द पिजन वुड आर्ग्यू. आर्ग्यू का मतलब है तर्क देना. आर्ग्यू का मतलब है तर्क देना. मम्मी को तर्क देते हैं ना, मम्मी कहती है पढ़ो, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, अच्छा एक घंटे बाद पढ़ लेना, मैं दो घंटे बाद कर लूंगा. इसे तर्क देना कहते हैं, आर्ग्यू कहना करना कहते हैं. तो फटाफट एक बार हम देखते हैं क्या हुआ था. एक आउल था और पिजन था, दोनों को ब्रैग करने की आदत थी. आउल कहता था, बोस्ट करता था कि आई एम गुड, पिजन बोस्ट करता था आई एम मच बेटर देन यू. Okay, so one morning they were sitting side by side on a branch where the owl said, I think there are many more owls than pigeons. So, owl ne kya kaha? There are many more owls. Owl zyada hai, tum pigeon kya ho? Owls to kitne saare hain, tum pigeons to bahut hi kam ho. To usne brag karna shuru kar diya. I think there are many more owls than pigeons. That can't be right, replied the pigeon. That can't be right. There are definitely more pigeons than the owls. Definitely का मतलब निश्चित है. ये तो निश्चित है 100% कि pigeons ज़्यादा है. Don't boast, don't brag. Pigeons are more than owls. There's one way to find out. I challenge you to count them. Pigeon ने बोला, challenge करती हूँ. Count, count them. All right. The आउल अग्रीड. अग्रीड का मतलब होता है सहमति हो जाना. जैसे मैंने आपको बताया था ना, मम्मा ने कहा एक बजे पढ़ना, आपने भी कहा ठीक है मैं एक बजे पढ़ लूंगा, तो आप दोनों में सहमति हो गई, आप दोनों अग्री कर गए. वी विल नीड अ प्लेस विथ प्लेंटी ऑफ ट्रीज बिकॉज ऑल द आउल्स एंड द पिजन्स विल कम. नाउ लेट्स डिसाइड अ प्लेस. ओके, लेट डू वन थिंग. द बिग वुड्स, यू नो द बिग वुड्स. ओके, सो वीक फ्रॉम टूडे All, tell all your friends to come on that big woods. So, after 1 week, we have enough time to let everybody know. We will go and tell everyone, come on the big woods, come on the big woods. Okay, so during that week, the owl and the pigeon flew in every direction to tell their fellow birds. Fellow birds are unke saathi, unke friends. Fellow birds matlab saathi. To come to the big wood to be counted. ओके, सो डे ऑफ द काउंट केम. नाउ 1 week लेटर द डे केम, जब हमें उनकी काउंटिंग करनी थी. ओके, एंड द आउल्स वर द फर्स्ट. बहुत ज्यादा करते थे ना, द आउल्स वर द फर्स्ट टू अराइव. इट सीम्ड एज इफ एवरी ट्री वॉज फिल
full of owls hooting at each other. It seemed का मतलब, seemed का मतलब लग रहा था, ऐसा लग रहा था, that every tree was full of owls hooting, चिल्लाट, owls की आवाज को हम चिल्लाट कहते हैं, hooting at each other. So all the owls were there. Now the owls were sure, 100% sure that they would outnumber. Outnumber का मतलब 100% ज्यादा होंगे number में than the pigeons. Suddenly the sky went dark. Clouds of pigeons मतलब बहुत सारे pigeons were flying towards the big woods. They came from the north, from the south, from the east, from the west. Soon there were no space left in the trees and the branches were starting to break under the weight of all the pigeons. इतने भारी pigeons थे, इतने सारे pigeons थे, उनके weight से branches ही टूटने लग गई. More and more pigeons came circling above the wood. Circling का मतलब wood के ऊपर चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे, pigeons ही pigeons, looking for a place to land. They could not find a place to land. But now, what happened, children? The ground was completely covered with pigeons too. The owls were wide-eyed like this. ये क्या हो गया? इतने सारे pigeons? Boast करता रहता था ना owl हमेशा. के pigeons कम हैं, owl ज़्यादा हैं. So the ground was completely covered with pigeons too. The owls were wide-eyed now. With amazement, amazement का मतलब surprise, वो एकदम से surprise हो गए कि ये क्या हो गया, उनको shock लग गया. And they stared at all the pigeons like this. Stare का मतलब लंबे समय तक देखना, ऐसे. They started staring like this, ये क्या हो गया. Who? And but the pigeons were still arriving in their thousands. एक दो पिजन नहीं आ रहे थे, हजारों पिजन आ रहे थे. द नॉइज ऑफ देयर विंग्स, इतनी उनकी विंग्स की आवाज थी ऐसे फ्लटर करने की, दैट दे वर दैट द नॉइज ऑफ देयर विंग्स वॉज डेफनिंग. डेफनिंग मतलब और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उनकी विंग्स की आवाज सुनाई दे रही थी, उड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी. एंड द आउल्स वर गेटिंग स्क्वैश्ड. Squashed का मतलब दब रहे थे, प्रेस हो रहे थे उनके नीचे, squash, प्रेस हुए जा रहे थे. And trampled का मतलब वापस प्रेस होकर कुचले जा रहे थे. अगर मैं पैर में केला रख दूं आपके नीचे तो आपका केले का क्या हाल होगा, ट्रैम्पल हो जाएगा, पूरा कुचल जाएगा ना केला. सो वॉट हैपेंड, द आउल्स वर गेटिंग ट्रैम्पल्ड बाय द वंस हु हैड मैनेज्ड टू फाइंड अ पर्च इन द ट्रीज. आउल्स, जो आउल्स ट्री के ऊपर बैठे थे, पर्च मतलब टू सिट ऑन द ट्री, ट्री पे अपना बसेरा लेना, हिंदी में पर्च को बसेरा कहते हैं. तो जो आउल्स ट्री पर बैठे हुए थे वो स्क्वैश हो रहे थे, ट्रैम्पल हो रहे थे. लेट्स गो आउट ऑफ हियर, चले हम मर जाएंगे, हम कुचल जाएंगे, चलो यहां से चले. द आउल्स अगेन हूटेड टू वन अनदर, फ्लाइंग अवे. दे ऑल स्टार्टेड फ्लाइंग अवे बिकॉज नाउ दे न्यू दैट द पिजन्स वर मोर, द पिजन्स हैड आउटनंबर्ड. बट द पुअर क्रिएचर्स, द आउल्स, द पुअर क्रिएचर्स, दे हैड स्टेड सो लॉन्ग एंड हार्ड एट द पिजन्स दैट द आईज स्टेड स्टक वाइड ओपन का मतलब, स्टक का मतलब चिपक जाना. अगर आप कोई काम लंबे समय तक कर रहे हो, जैसे आप टीवी देखते हो तो आपकी आईज ऐसे टीवी देख देख कर ऐसी ही रह जाएंगी. आउल्स ऐसे ज्यादा टीवी मत देखना, तो उनकी आईज ऐसे स्टक हो गई, वाइड ओपन. एंड फ्रॉम दैट डे, यू नो नाउ व्हाई डू द आउल स्टेर, फ्रॉम दैट डे एन आउल ऑलवेज स्टेड लाइक दिस एंड हेड ड्यूरिंग द डे, छुप जाता था. हेड मतलब छुपना, सुबह के टाइम पर वो छुप जाता था. व्हेन द पिजन्स वर नियर बाय, फ्लाइंग ओनली एट नाइट बिकॉज नाउ ही न्यू दैट ही कैन नॉट ब्रैग
the pigeons had won. The pigeons were more. They outnumbered the owls. So they flew only in the night. In the morning, they did not flew. They sat and stared like this because owls were less in number and pigeons win. So what do you learn from this story? Can you tell me? The moral of the story is, so the moral of the story is that we should not boast. Shaky nahi karni chahiye. Brag nahi karna chahiye. Ek cheez ko chilla chilla kar nahi bolna chahiye. Aapko apne friends ko hamesha outnumber karne ki koi zarurat nahi hai. Dikhave baazi ki koi zarurat nahi hai. ठीक है फ्रेंड्स हो एंजॉय करो. ये क्या राइवलरी अपने फ्रेंड्स के बीच में. यू शुड नॉट हैव राइवलरी बिटवीन योर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स से तो दोस्ती होती है. उनसे थोड़ा ना ये तू बढ़कर है. अगर कोई फ्रेंड अच्छा करता है तो वी शुड बी हैप्पी के ओके टीच मी हाउ यू डिड इट सो दैट इवन आई विल डू इट. सो दीज आर फ्रेंड्स. दीज आर ट्रू फ्रेंड्स. सो फाइंड सम ट्रू फ्रेंड इन योर रियल लाइफ. यू विल रियली बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. One friend should be there, but it should be a real friend. And second thing, don't keep watching TV. Don't stare. If you stare, you know what will happen. See what happened to the owls. If you keep watching TV like this, and your eyes are always like this in one position, then even your eyes, even you would stare like this. So, mat karna. Learn everything. Every day, learn one new thing. So, how did you like this story? Now you know, you can go and tell to your friends. You know why do owls stare? I will tell you a new story. Bye-bye. This is Harshi Bhatia. We'll come up with new stories every day. Love you, kids. Bye-bye.